lost.dir आखिर ये फोल्डर है क्या? कई बार इसे डिलीट करने की कोशिश भी की होगी आपने, पर बार बार ये जो है हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक आ जाता है। हम सोचते हैं कि ये फोल्डर हमारा स्टोरेज ले रहा है, हमारे जो SD कार्ड की मेमोरी है उसको फुल कर रहा है, पर दोस्तों आपको नहीं पता होगा इस lost.dir फोल्डर का वर्किंग क्या है, इसका काम क्या होता है। बने रहिए इस वीडियो में, मैं राहुल और हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ के लोचा को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये फोल्डर हमारे आता किस काम है। दोस्तों हम बात कर रहे थे लॉस्ट नाम के फोल्डर की, आखिर ये लॉस्ट नाम का फोल्डर हमारे SD कार्ड में क्यों आता है और इस फोल्डर को डिलीट करने के बाद भी ये फोल्डर आखिर क्यों दोबारा आ जाता है जब मोबाइल हम रिस्टार्ट या स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं। दोस्तों इस फोल्डर की एक खास बात ये भी है कि ये फोल्डर कभी इंटरनल स्टोरेज में आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए मैं आपको सारे फोल्डर इंटरनल स्टोरेज के दिखा देता हूँ, यहाँ पर लॉस्ट नाम का कोई फोल्डर नहीं है और वहीं ये फोल्डर सिर्फ SD कार्ड में ही बनता है। ये देखिए SD कार्ड मैंने ओपन किया और ये देखिए ये फोल्डर आ गया lost.dir। हाँ तो बात कर रहे थे lost.dir फोल्डर के बारे में। एंड्रॉयड सिस्टम में क्या होता है, ये खुद ही कुछ फोल्डर्स जो है ऑटोमेटिक जो है हमारे फ़ोन के अंदर बना देता है और हमें पता नहीं लगता, हम सोचते हैं ये बेकार के फोल्डर है इन्हें डिलीट कर देते हैं, पर उन्हें डिलीट करने से दोस्तों ना कोई फ़ायदा है और ना कोई नुकसान है। कई लोगों ने, कई यूट्यूबर्स ने आपको कुछ वीडियोस दिखाई होंगी कि इन फोल्डर को डिलीट करने से आपका जो मोबाइल है वो बहुत तेज़ चलेगा, कभी हैंग नहीं होगा, पर ये सब दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये जो lost.dir फोल्डर है, मैं आपको बताता हूँ इसकी वर्किंग क्या है। ये फोल्डर हमारे तब काम आता है जब आप जैसे कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो या कोई भी 250 MB 500 MB की अगर कोई मूवी है वो आधी डाउनलोड होती है, जैसे अगर वो 500 MB की मूवी है वो 250 ही डाउनलोड होके बाई चांस आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया या आपका जो इंटरनेट पैक था वो ख़त्म हो गया, तो ऐसे में क्या होता है हमें ये लगता है अब ये डाउनलोड हमें अब दोबारा से शुरू से करना पड़ेगा, ये नई फाइल अब ये दोबारा ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, पर ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। जो lost.dir है ये आपकी उस फाइल को सेम उसी जगह उसी साइज पर जो है वो सेव कर लेता है, ताकि जब आप उस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो डाउनलोडिंग है वो वहीं से दोबारा शुरू होगी। और इसका एक और भी दोस्तों काम होता है, जब आप कंप्यूटर से कोई डेटा लेते हैं जैसे म्यूज़िक वीडियोस, तो भी क्या होता है फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या पूरा डेटा नहीं आ पाता, स्टोरेज फुल होता है या PC ऑफ हो जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर डेटा बीच में फंस जाता है, तो भी उस सारे डेटा की फाइल्स को जो है ये lost.dir अपने फोल्डर में सेव कर लेता है, ताकि अगर वो डेटा दोबारा आता है तो उसी को वो फास्ट तरीके से कॉपी करता है और जो डेटा आ चुका है उस डेटा को कॉपी में नहीं लेता। तो दोस्तों ये फोल्डर हमारे बहुत काम का है, बहुत छोटा सा फोल्डर है, कई बार मैंने भी आप लोगों ने भी इसे डिलीट करने की कोशिश की होगी, पर जब भी फ़ोन स्विच ऑफ होता है या रिस्टार्ट होता है ये फोल्डर जो है एंड्रॉयड फ़ोनों में ऑटोमेटिक बन जाता है। और दोस्तों ये फोल्डर कभी भी इंटरनल स्टोरेज में नहीं बनता, हमेशा SD कार्ड SD स्टोरेज में ही बनता है। तो इस छोटे से फोल्डर का ये छोटा सा ही काम था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।